Assalamu alaikum students, it's me Inamul Chaghtai and we are discussing our chapter number 13 and this chapter is about the current electricity. And today our topic that we have to discuss is Ohm's law. Ohm ka kanun. Ohm's law basically ek sainsdan ke naam par is kanun ka naam rakha gaya hai. और ये एक जर्मन फिजिस्ट और मैथमेटिशियन था जिसका नाम था जॉर्ज साइमन ओहम. बेसिकली ही वाज स्टडीइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट एंड ही पब्लिश्ड दिस लॉ इन 1827. द बेसिक आइडिया इन दिस लॉ दैट ही स्टडीड वाज दैट करंट आई पासिंग थ्रू द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज. मीन्स जितने वोल्टेज ज़्यादा होते चले जाएंगे उतना वैल्यू ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट बढ़ता चला जाएगा. ये बेसिक थीम थी ओहम्स लॉ की. यह हमें एक सर्किट दिखाया गया है जिसमें एक रेजिस्टर है और यहाँ प्लस माइनस बेसिकली दो टर्मिनल्स ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स को जाहिर करते हैं और आई इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन दिस सर्किट एंड दिस रजिस्टर और कंडक्टर. सो बेसिक आइडिया अगेन जिसकी बेस पे हम ओहम्स लॉ को डिफाइन करेंगे कि वैल्यू ऑफ द आई पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज कनेक्टेड अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर. सो दिस लॉ स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स प्रोवाइडेड द फिजिकल स्टेट सच एज टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कॉन्स्टेंट. अगर इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखी जाए तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, देन आई इज इक्वल टू वी बाई आर, आर वी इज इक्वल टू आई आर. इस एक्सप्रेशन में जो आर है दैट इज द प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट एंड इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर आर. और हम इसे डिफाइन कर सकते हैं इट इज़ अ अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ आर मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द कंटिन्यूस बम्पिंग विद द एटम्स ऑफ द लैटिस. मीन्स कि जब इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में से मुसलसल मूव करते हैं दे कोलाइड विद द एटम्स ऑफ द लैटिस एंड दे ऑल्सो कोलाइड विद द अदर इलेक्ट्रॉन्स एज वेल. सो दे हैव अ हिंड्रेंस एन अपोजिशन इन द फ्लो आर मूवमेंट ऑफ दीज electrons across that conductor, that is called resistance. The value of the resistance depends upon number one, the nature of the conductor, the dimensions of the conductor and the physical state of the conductor. Units of the resistance ohm hota hai aur iski jo symbolic representation hai ek greek letter se ki jati hai. Resistance is equal to the volts per ampere, r is equal to v by a jo hum अभी पढ़ चुके हैं अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ. और इसी एक्सप्रेशन के लिहाज से हम ओहम को डिफाइन कर सकते हैं. किसी कंडक्टर में रेजिस्टेंस वन ओहम होगी अगर वन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए और एज ए रिजल्ट ऑफ दिस वन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस वन एम्पेयर करंट पासिस थ्रू दैट कंडक्टर. मीन्स इफ द करंट ऑफ वन एम्पेयर इज पासिंग थ्रू द कंडक्टर एंड द कंडक्टर इज कनेक्टेड विद द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वन वोल्ट देन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज सेड टू बी वन ओहम. नेक्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट द ओहमिक एंड द नॉन ओहमिक डिवाइसेस. दो किस्म की डिवाइसेस हैं जो कि ओहम्स लॉ को फॉलो करती हैं या ओहम लॉ को फॉलो नहीं करती हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं ओहमिक डिवाइसेस के हवाले से. ओहमिक डिवाइसेस वो होती हैं विच फॉलो द ओहम्स लॉ, जो ओहम्स लॉ को फॉलो करती हैं. क्या सेंस बिल्डअप होती है कि ओहम्स लॉ को फॉलो करती हैं? मीन्स अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन द वोल्टेज ऑन लॉन्ग द एक्सिस एक्सिस एंड द करंट ऑन द वाई एक्सिस देन अ स्ट्रेट लाइन इज प्रोड्यूस. मीन्स एक स्ट्रेट लाइन आती है. यह स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप को इंडिकेट करती है. वो तमाम तरह डिवाइसेज जहाँ वोल्टेज और करंट के दरमियान एक स्ट्रेट लाइन बनती है वो ओहमिक डिवाइसेस कहलाती हैं. वो ओहमिक लॉ को फॉलो करती हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ द ओहमिक कंडक्टर्स नंबर वन मेटल्स रेजिस्टर्स एंड निक्रोम वायर्स एट्सेट्रा. एंड नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस द नॉन ओहमिक डिवाइसेस. नॉन ओहमिक डिवाइसेस कौन सी होंगी विच डू नॉट फॉलो द ओहम्स लॉ, जो ओहम्स लॉ को फॉलो नहीं करती. अगेन अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो ग्राफ क्या बनेगा बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट, वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनता. बेंड करता हुआ डाउनवर्ड और अपवर्ड वो मूव करेगा, एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा. और ये स्ट्रेट लाइन का ना होना इंडिकेट करता है कि इट इज़ नॉट ओबीइंग द
Ohms law. Non majority of the devices non ohmic devices hoti hain. Inki examples mein hum baat kar sakte hain diodes ki, semiconductors ki, electrolytes ki, thyristors ki, and transistors and filament lamp, etc. हमारी बुक में रेजिस्टर ऑफ द डायोड के हवाले से ग्राफ दिखाया गया है जो यहां पे एक रेड लाइन से इंडिकेट किया गया है वोल्टेज अलोंग द एक्स एक्सिस एंड द करंट अलोंग द वाई एक्सिस दिखाया गया है और ये लाइन इनिशियली ऊपर बढ़ती है स्ट्रेट लाइन नहीं है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर की तरफ मूव करती है जो कि डायोड के हवाले से इंडिकेट करता है कि विद द इंक्रीज इन द टेंपरेचर because as we increase the value of the voltage the value of the current also increases aur current ke hawale se hum yesterday apne lecture mein padh chuke hain heating effect as a heating effect mein heat paida hoti hai and due to this heat basically in case of diode especially resistance kam ho jati hai iski wajah se ek badhti hui line hame jo hai is graph mein nazar aati hai this was the graph between the V and the I regarding diodes jo ki hamare syllabus ka hissa hai इसी तरह एक और ग्राफ हमें बुक में दिखाया गया है दैट इज अबाउट द फिलामेंट ऑफ द बल्ब और वहाँ पे वोल्टेज को बढ़ाते हुए करंट की वैल्यू बढ़ती नहीं है बल्कि कम होती है क्योंकि वोल्टेज को बढ़ाते हुए करंट के बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस बढ़ती है बिकॉज टेम्परेचर बढ़ता है और टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस बढ़ती है जिसकी वजह से करंट की वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है And next we have to talk about the combination of the resistors. Resistors के combination के हवाले से हमने बात करनी है दो किस्म के combination available हैं series combination and parallel combination. सबसे पहले हम बात करेंगे series combination के हवाले से series combination में एक circuit diagram आपको यहाँ पर दिखाई गई है जहाँ पर तमाम तर resistors end to end जोड़े गए हैं यानी कि R1, R2 के साथ R2, R3 के साथ और R3 next and so on means के source के साथ ये जुड़े हुए होते हैं ये end to end resistors का जुड़ना series combination कहलाता है series combination में हम ये बात याद रखेंगे कि current की direction एक रहती है लिहाजा तमाम resistors में current की value same रहेगी वो change नहीं होगी लेकिन V potential difference across each of the resistor different होगा ये इस diagram में भी आपको R1 के लिए V1, R2 के लिए V2 और R3 के लिए V3 दिखाया गया है मींस के पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यूज डिफरेंट होंगी फॉर ऑल द रेजिस्टर्स बट एज द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज द सेम सो वी कैन से द वैल्यू ऑफ द करंट इन ऑल दीज रेजिस्टर्स वुड बी द सेम सो दिस इज कॉल्ड द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो हम आर ई इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री एंड सो ऑन टिल आर एन एटसेट्रा हम इस तरीके से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं सपोज अगर आर वन की वैल्यू वन ओहम होती आर टू की वैल्यू दो ओहम होती और आर थ्री की वैल्यू तीन ओहम होती तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए इन तमाम वैल्यूज को जमा करते और हमारा आंसर वन प्लस टू प्लस थ्री मीन्स सिक्स ओहम होता Next we have to talk about the parallel combination of the resistors. Again एक circuit diagram हमें यहाँ पर दिखाई गई है R1, R2 and R3 ये parallel combination में दिखाए गए हैं Parallel combination में हम याद रखेंगे कि one end of each of the resistor is connected to the common point. Means अगर मैं यहाँ पर इस point के हवाले से बात करना चाहूँ तो R1, R2, R3 इसी point के साथ जुड़े हुए हैं इनके R1 R2, R3 इन तमाम रेजिस्टर्स का एक सिरा तो इस पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ है सपोज मैं इसको ए कह देता हूँ इस तरह ये दूसरा सिरा है और इस पॉइंट को सपोज मैं बी कह देता हूँ तो इन तमाम रेजिस्टर्स का जो दूसरा हिस्सा है वो बी के साथ जुड़ा हुआ है तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि वन एंड ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स एक पॉइंट के साथ एंड द सेकेंड एंड ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स दूसरे पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ होता है इस किस्म के कॉम्बिनेशन को हम जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी हो तो हम उसको कैलकुलेट करते हैं इस फार्मूले से दैट इज वन ओवर आर ई इज इक्वल टू द वन ओवर आर वन प्लस वन ओवर आर टू प्लस वन ओवर आर थ्री इन द सो ऑन टिल वन ओवर आर एन तमाम वैल्यूज को इसमें हम इंसर्ट करके और बाय फॉर्म में इन्हें कैलकुलेट करके ऐड करके हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं दैट इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टे ब्लेस्ड अल्लाह हाफिज़